नमस्ते कुमार जोशी रेस्टोरेंट में मैं आपका स्वागत कर रहा हूं मेरे एक नए वीडियो के साथ। अप्रैल 2023 मीन लग्न के लिए स्पाइसेस एसेंडेंट के लिए कैसा रहे देखिए। जो थोड़ा बैक में जाते हैं 11 मार्च से 24 मार्च बहुत बड़ा पैसा भी आपके हाथ में आया होगा, बहुत बड़ा पैसा हाथ में आया होगा, या कोई प्रॉपर्टी का काम हुआ होगा, या बहुत बड़ी मुलाकात भी हुई होगी, ऐसा हो सकता है। अब 25 मार्च से 7 अप्रैल है, ये टफ टाइम है। 25 मार्च से 7 अप्रैल हो सकता है आप फॉरेन जा सकते हो सकता है बहुत लोनलीनेस फील करोगे आप 25 मार्च से 7 अप्रैल में। इसमें क्या हो रहा है देखिए, 15 मार्च से 13 अप्रैल में लग्न में सूर्य आया है, ये कहीं ना कहीं कोई बड़ा झगड़ा, कोई बड़ी कंपटीशन, मैं कुछ हूं ये ईगो में कोई बहुत बड़ा पंगा करवा सकता है। 25 मार्च से 7 अप्रैल आप जो भी डिसीजन लेते हैं उसको थोड़ा हो सके तो पेंडिंग रखिएगा, क्योंकि 25 मार्च से 7 अप्रैल एक्सपेंसिव होगा, लोनलीनेस फील करेंगे, किसी से झगड़ा हो सकता है, यानी कि आपको कोई बेवकूफ बनाने के लिए आपके पीछे षड्यंत्र भी करेगा 25 मार्च से 7 अप्रैल में। जो नाम कमाया है आपने 11 मार्च से 24 मार्च में उस पर कुछ हद तक पानी फिर जाएगा, ऐसा भी आपको लगेगा। बट जैसे ही 8 अप्रैल आएगा वहां से 21 अप्रैल तक आप अपने आप को रिवाइज करना शुरू कर देंगे, यानी कि यू विल ट्राई टू ऑब्जर्व योर सेल्फ। 8 अप्रैल से 21 अप्रैल को आप ऑब्जर्व करेंगे अपने आप को और अपनी गलतियों को ढूंढने की कोशिश करेंगे कहां आप रॉन्ग हो गए। 8 अप्रैल से 21 अप्रैल पर्सनालिटी डेवलपमेंट का है, सेल्फ डेवलपमेंट का टाइम है। और 22 अप्रैल से 5 मई में जो मनी फ्लो है, आपके पास कोई इनकम का नया बहुत बड़ा सोर्स खुलेगा, या हो सकता है कि आपका पूरा फैमिली एकत्रित होगा, पूरा परिवार एकत्रित होगा और आप ये 22 अप्रैल से 5 मई में यू विल बी द हीरो ऑफ योर फैमिली, आपके परिवार के आप हीरो हुए होंगे। कोई ऐसा इंसिडेंस काम करेगा जब मनी का आपका फ्लो भी अच्छा खासा बड़ा होगा। तो ये अबाउट ओवरऑल आइडिया है आपकी। आपको देखिए इस महीने में केयरफुल रहना है, 2 और 3 अप्रैल को ये एक्सपेंसिव रहेगा, हो सकता है किसी से झगड़ा भी हो जाए इस दिनों में। 2 और 3 अप्रैल को हो सके तो आपके बेटे से, आपका अगर बच्चा है या आप मोहब्बत करते हैं उससे विवाद टालिएगा। हेल्थ के लिए केयरफुल रहने के लिए 29-30 है, 7-8 टेंशन रहेगा, थोड़ा मानसिक तनाव रहेगा, आप कोई बुद्धि लड़ाएंगे और वो बुद्धि आपको महंगा पड़ जाएगा। 16 और 17 को रॉन्ग डिसीजन टेकिंग से बचिएगा, ये कहीं ना कहीं 16 और 17 आपको मानसिक तनाव में डाल देगा, मतलब कहीं ना कहीं रॉन्ग डिसीजन की जो मैं बात बोल रहा हूं वो टाइम आपके लिए इस महीने में 25 मार्च से 7 अप्रैल तक का टाइम है, वो रॉन्ग डिसीजन का टाइम है। कोई कोर्ट का या कोई कॉन्ट्रैक्ट टाइप का अगर पेपर सही करना हो 25 मार्च से 7 अप्रैल में, ऐसा साइन सोच समझ के करिएगा। 25 मार्च काफी दूर है, समझिएगा, और ऐसा मौका आता है कि आपको अगर करना ही पड़ेगा तो 7 अप्रैल के बाद करिएगा या 25 मार्च के पहले कर दीजिएगा। अब जॉब या बिजनेस को 8 अप्रैल से 21 अप्रैल बेस्ट है, कोई नए बिजनेस का प्रपोजल भी आएगा और बहुत बड़ा मनी फ्लो का दरवाजा खुल जाएगा अप्रैल 22 के बाद। 5 मई तक में बहुत बड़ा मनी फ्लो का डोर आप खोलने में कामयाब हो जाएंगे। हेल्थ के लिए केयरफुल रहना है 29 और 30 को, केयरफुल हेल्थ के लिए मैंने पहले ही बताया आपको। स्टूडेंट के लिए 18-19 बेस्ट है। देखिए स्टूडेंट के लिए मैं ऐसा मानता हूं कि 22 अप्रैल के बाद बेस्ट ही टाइम है, और उसमें भी आगे देखेंगे तो 22 अप्रैल से 5 मई तक स्टूडेंट के लिए बेस्ट ही। कोई मतलब लॉजिकली कोई बहुत बड़े प्रॉब्लम में आ जाओगे ऐसा नहीं है, गुरु कम से कम आपके 5th हाउस को रक्षित कर रहे हैं। स्टूडेंट के लिए बेस्ट है 18-19, एकदम सुपर साबित होगा आपके लिए, बेस्ट साबित होगा। प्यार करते हैं उनके लिए 9 और 23 बेस्ट है। आपके पड़ोस में ही किसी पर्सनालिटी से आपके नयन लड़ सकते हैं, क्योंकि शुक्र तृतीय में देखिए बहुत लंबे समय तक रहेगा, 22 अप्रैल से 5 जनवरी तक, ये आपके 6 अप्रैल से 1 मई तक, मतलब पूरा अप्रैल महीना ही मान के चलो कि शुक्र महाराज आपके तृतीय स्थान में है, ये कहीं ना कहीं नयन मटका देगा आपका। और ये पड़ोस और शुक्र, मतलब आपके 3rd हाउस में शुक्र की मेहरबानी है, प्यार करते हैं उनके लिए 9 और 23 विल बी द बेस्ट, किसी को प्रपोज करना चाहते हैं तो। मैरिज के लिए यस 20 अप्रैल के पहले एक अच्छा सा खासा मौका है आपको, 21 अप्रैल के बाद शुक्र गुरु आपका 2nd हाउस में चला जाएगा, आपके हाथ से मौके बाद में चले जाएंगे, मतलब विवाह का जो योग है अब ये फाइनल स्टेज है, जो ये लास्ट महीना है अप्रैल,
मार्च और अप्रैल, जो ये वीडियो तो मिल जाएगा आपको अबाउट एंड ऑफ द लास्ट वीक ऑफ मार्च के पहले ही मिल जाएगा। पूरा मेहनत करिएगा, अगर विवाह नहीं हुआ हो तो आपका विवाह का चांस 20-21 अप्रैल तक ही है, उसके बाद आपका विवाह का चांस पूरे साल भर के लिए खत्म हो जाएगा, या तो बहुत बड़ा मौका नहीं मिलेगा, बट इनकम आपका बढ़ने का मौका आपको मिलेगा, यानी कि आप आपके कर्म क्षेत्र पर कोई ना कोई पॉजिटिव चेंज करेंगे आने वाले टाइम में। मैरिज के लिए आई सेड यस, शेयर मार्केट के लिए 22 अप्रैल से आई सेड 5 मई तक का, ये महीना 30 तारीख का है, इसके लिए 30 तक लिखा है, 22 अप्रैल से 30 अप्रैल तक, 5 मई तक का टाइम है, 22 अप्रैल से 5 मई तक बेस्ट मंथ, यानी कि मैंने बताया था कि आप आपके फैमिली के हीरो हुए होंगे, पैसा का फ्लो होगा। तो ओवरऑल इस पिक्चर को देखें तो देखिए, मंगल चतुर्थ में आया, अगर घर में अशांति लगता है, आपका स्पाउस बहुत बजेटिंग करने वाला है, बहुत बोलने वाला है, पर्टिकुलरली अगर जो आप फीमेल कैरेक्टर पर्सनालिटी है, मेन लग्न है फीमेल पर्सनालिटी, तो आपके घर में अशांति बहुत मचा पड़ा हुआ हो तो गुड़ का दान करिएगा ट्यूसडे के दिन, चाहे 1 किलो गुड़ हो चाहे 11 किलो गुड़ हो, यथाशक्ति गुड़ अगर 1.5 किलो भी रख दोगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, गाय को खिला दो ट्यूसडे को, चारों चार ट्यूसडे को गुड़ खिलाइएगा, या तो 9 तारीख या 23 तारीख को गाय को गुड़ खिलाइएगा। बेसिकली देखिए, आपको जो प्रॉब्लम वाला जो मैं टाइम बोला, जो मैंने आपको बोला 25 मार्च से 7 अप्रैल बोला है, बहुत लोनलीनेस फील होगा, आपके साथ चीटिंग हो सकता है, फ्रॉड हो सकता है, कोई भी आपको आपके पीछे बुराई करता हुआ, आपको आपकी बुराई होगी आपके 25 मार्च से 7 अप्रैल, दैट्स द टफ टाइम। सो गुड़ का दान करने के लिए बोला, गाय को भी खिला सकते हैं, 9/4 देवी 4 को चतुर्थी है, इस दिन गणपति मंदिर में भी जाइएगा, बहुत घर में अशांति फील करते होंगे तो, या अगर जन्म का आपका गुरु होगा तो ऐसा नहीं हो सकता, बट जन्म का स्टार आपका मेरे पास नहीं है इसलिए इस तरह से बोल रहा हूं। प्रदोष 3 और 17 तारीख को, अगर आपके बच्चों के साथ कॉन्ट्रोवर्सी ज्यादा है, ज्यादातर आपके बच्चे मूड स्विंग ज्यादा करते हैं, यानी कि मनस्वी होते हैं, विचारक होते हैं, ज्यादातर घबराशील ज्यादा होते हैं, यानी कि अगर लड़का भी है तो भी बहुत सेंसिटिव होता है, बॉय है फिर भी फीमेल जैसा ज्यादा सेंसिटिव होता है, तो उसके लिए 3 और 17 तारीख को मेरा सजेशन है, आप शिव उपासना करिएगा 3 तारीख को और 17 तारीख को शिव मंदिर में, बिना भूले जाइएगा 3 और 17 को, और जलाभिषेक कर सको तो अति उत्तम है 3 और 17 को। इस महीने में देखिए 22 अप्रैल को अक्षय तृतीया है, आपको 22 अप्रैल से धीरे धीरे पैसा भी बढ़ने लग जाएगा, हो सकता है कोई आप नया ऑफिस वॉफिस खरीदोगे आने वाला टाइम में आपके वर्क प्लेस में 22 अप्रैल के बाद, मैंने बोला ऐसा कोई ना कोई बहुत बड़ा मेजर चेंजेस की तरफ आप जा रहे हैं, हो सकता है आप काम धंधा नौकरी करते हो तो वहां प्रमोशन भी मिलेगा, और मैंने आपके काम धंधे के लिए बेस्ट टाइम बोला ही है 8 अप्रैल से 21 अप्रैल, जॉब या वर्क प्लेस पर आपका 8 अप्रैल से 21 अप्रैल बेस्ट है ही, मैंने जो बोला आपको वो साफ होगा भी। इस महीने में अक्षय तृतीया 22 अप्रैल हमारा 4 मुहूर्त है, दशहरा का मुहूर्त है, दिवाली का मुहूर्त है, फिर गुड़ी पाड़वो का मुहूर्त है, नया साल गुड़ी पाड़वो हिंदी न्यू ईयर, और चौथा है अक्षय तृतीया। अक्षय तृतीया सबसे बेस्ट मुहूर्त माना जाता है, ये चारों में सबसे बेस्ट मेरा मानना है, तृतीया सबसे बेस्ट मुहूर्त है, कोई भी चीज नया लेना है, नया शुरू करना है, 22 अप्रैल विल बी द बेस्ट। अभी मंगल बुध का परिवर्तन है, आप देखें इसको, पोजीशन स्टार की बहुत अच्छी है, गुरु अपने घर में, शनि अपने घर में, शुक्र अपने घर में, और मंगल बुध का परिवर्तन है, सूर्य उच्च का है, मतलब स्टार्स की पोजीशन सभी के लिए बहुत अच्छी पोजीशन है, यानी कि चारों तरफ जो काम रुका हुआ है सबका, कहीं ना कहीं 11, मैंने आपको बोला कि 25/3 से 7 अप्रैल थोड़ा केयरफुल रहिएगा, बाद में काफी तरक्की आपको मिलेगी 25/3 से 7 अप्रैल में, कोई ना कोई बेवकूफ बनाएगा ही आपको, उसको देखिएगा, बहुत बड़ा हेजिटेशन में 7 अप्रैल के पहले, फर्स्ट वीक 7 अप्रैल के पहले कोई हेजिटेशन में, जल्दबाजी में डिसीजन नहीं लीजिएगा, कीप दैट डिसीजन पेंडिंग। जॉब और बिजनेस का बोला मैंने, हेल्थ के लिए 29-30 केयरफुल बोला, स्टूडेंट के लिए 18-19 बेस्ट है, प्यार करते हैं उनके लिए मैंने ये 9 और 23 बेस्ट बोला, पड़ोस में प्रेम हो सकता है वो संभावना है। मैरिज के लिए आई सेड यस, और शेयर मार्केट के लिए मैंने 22 से 30 लिक्विड बहुत होगा आपके पास, आपका पर्स भरा पड़ा रहेगा, और कुछ ना कुछ हो सकता है कि आपके परिवार में ऐसा होगा कि आप अपने आप को हीरो साबित कर सकेंगे 22 अप्रैल से 5 मई तक। और अक्षय तृतीया का बताया मैंने, इस महीने में देखिए मेष राशि में सूर्य ग्रहण, और वो 20 तारीख को है, 19 तारीख को दृश्य
दृश्य अमावस्या है 19 तारीख को, विष्णु सहस्रनाम करके बहते जल में नारियल बहा दीजिएगा, आपके धनस्थान में सूर्य राहु का ग्रहण योग हुआ है। सूर्य राहु का ग्रहण योग आपके लिए डेफिनेटली परिवार में आपका बोला हुआ मिस इंटरप्रिट हो सकता है, बट आप पैसे से बहुत कुछ चीज सेटल कर पाएंगे बाद में। 22 अप्रैल से 5 मई में कुछ आप बोलेंगे तब ध्यान रखिएगा, इन शॉर्ट 20 अप्रैल को, क्योंकि आपका कुछ ना कुछ बोला हुआ बात 25 मार्च से 7 अप्रैल में उछलेगा जरूर। सो बी केयरफुल। और लॉजिकली देखिए, मैं ऐसा मानता हूं कि ये महीना आपके लिए मनी फ्लो लास्ट वीक में लाएगा, बीच में का जो फर्स्ट वीक है ये आपको रॉन्ग डिसीजन से, लास्ट वीक ऑफ मार्च एंड फर्स्ट वीक ऑफ अप्रैल आपको रॉन्ग डिसीजन से बचने का मैंने सजेशन दिया है। बहुत आप हो सकता है फॉरेन जा सकते हो इस टाइम में, 25 मार्च से 7 अप्रैल कोई बहुत बड़ा फॉरेन जाने का मौका मिलेगा, या बहुत अपने आप से लोनलीनेस फील करेंगे, हो सकता है कोई मंदिर का मुलाकात हो जाए, बहुत बड़ा टेम्पल का मुलाकात हो जाए 25 मार्च से 7 अप्रैल में। और 8 अप्रैल से आपका ये महीना सक्सेस की तरफ आगे बढ़ेगा, और 22 अप्रैल से लास्ट वीक 5 मई तक मनी फ्लो और बहुत बड़ी जायंट सक्सेस देता हुआ ये महीना पास होगा। सिर्फ फर्स्ट वीक को आपको, फर्स्ट वीक ऑफ अप्रैल केयरफुल रहना है। यह है लेखा जोखा आपका इस महीने का। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक मार्क कीजिएगा, जो लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, एट द एंड आई एम रिक्वेस्टिंग प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल एंड थैंक यू।